अरे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास टेंथ के बच्चों के लिए गणित का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.2 का सलूशन देखने वाले हैं। और बच्चों, आज की सेशन के माध्यम से हम सभी इस पूरे चैप्टर का कंप्लीट सलूशन देखने वाले हैं। यानी कि बच्चों, हम यूँ कह लें तो आज की इस लेक्चर के माध्यम से हम सभी इस पूरे चैप्टर का वन शॉट स्टडी करने वाले हैं। इसलिए आप सभी संबल रिक्वेस्ट है, इससे पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि हम पढ़ाते कम हैं, सीधा खोपड़ी में ठोकने का काम करते हैं। तो कमर कस लो और थोड़ा सा पेन और कॉपी उठा लो, और जो भी टॉपिक में दिक्कत हो रहा है उसको नोट डाउन भी करते चलना, ठीक ना। आज की सेशन के माध्यम से हम धमाकेदार एंट्री के साथ सारे सवाल, सारे कंसेप्ट को हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करने वाले हैं, ठीक है। आइए बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी को एक जानकारी बता दे रहा हूँ। इससे पहले मैंने प्रश्नावली 1.1 का सोल्यूशन ऑलरेडी करवा रखा है, उसका लिंक आप सभी को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जा करके विजिट जरूर करना, ठीक ना। आज की सेशन के माध्यम से हम सभी स्टडी करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के बारे में। 1.2 में यहाँ पर तीन सवाल दिया गया है, सीध करने वाला सवाल है। सारे सवाल को कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बच्चों, मेरी एक आदत है। आदत क्या भैया? आदत यह है कि सवाल को शुरू करने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। यानी कि इस सवाल में जो भी आप सभी ये कंसेप्ट काम करने वाले हैं उसको सबसे पहले समझने का फटाफट काम करते हैं, ठीक ना। चलिए, इससे बच्चों इस प्रश्नावली में आप सभी को दो तीन परिभाषा का काम पड़ेगा। सबसे पहली परिभाषा यहाँ पर दिया भी गया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? हालांकि ऑलरेडी मैंने पहले वाले लेक्चर में सब कुछ मैंने डिटेल में समझा रखा है, लेकिन भैया अभी समझ लो, नए स्टूडेंट हो तो, अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर पाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे भैया? अपरिमेय संख्या। एक कंडीशन होता है जहां पर क्यू डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। क्यू का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका अपोजिट में एक और संख्या आती है, परिमेय संख्या। क्या आती है भैया? परिमेय संख्या होती है। अच्छा, परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर क्या होता है भैया? तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p अपान q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखो भैया, इसे हम p बाई q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक ना, व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर बोलते हैं। इसका भी एक कंडीशन है, जहां पर क्या होगा भैया? जहां पर q का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। एक और कंडीशन है कि p और q हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्णांक ही होना चाहिए भैया। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। एक और परिभाषा काम पड़ेगा, सह अभाज्य संख्या। क्या भैया? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है उसको भी समझ लेते हैं, फटाफट समझते हैं, इस चैप्टर में काम आने वाला है। सह अभाज्य संख्या क्या होता है? तो ऐसी दो संख्याएं जिनका मसा क्या होता है? एक होता है। ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ एक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। अब बच्चों आ जाते हैं प्रश्नावली पे। प्रश्नावली 1.2 को धमाकेदार नियम के साथ सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखना है, क्योंकि भैया ये जो चैप्टर है थोड़ा सा लंबा होगा, 30 मिनट 40 मिनट का बन सकता है, लेकिन सारे सवाल को नियम के साथ, कंसेप्ट के साथ क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि भैया पेपर में 3 नंबर का आता है, पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाता है भाई। आइए ध्यान से समझना मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को भाई, ठीक ना। चलिए, यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या भैया?
अपरिमेय संख्या भी मैंने जस्ट आपको बताया, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन भैया इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम क्या मानेंगे, जस्ट इसके अपोजिट मान लेते हैं। जस्ट इसके अपोजिट क्या मानेंगे, हम ये मान लेते हैं कि माना करणी में 5 यानी कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, जस्ट इसके उल्टा मानते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि माना, हमने भाई सपोज कर लिया कि माना रूट पाँच एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, आराम आराम से सॉल्व करेंगे भाई, ठीक ना, परिमेय संख्या है। हम ये मान लेते हैं भाई कि माना करणी में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या। अच्छा भैया जब परिमेय संख्या है तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि परिमेय संख्या जिन्हें हम पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं इसको लिखेंगे कि हम किसी भी परिमेय संख्या को, हम इस बात को लिखेंगे, थोड़ा सा लिखने वाला चीज़ है, हम लिखेंगे कि हम किसी भी, ठीक है, लिखेंगे हम किसी भी परिमेय संख्या को, ठीक है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं हम किसी भी परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। क्या बोलेंगे भैया, हम किसी भी परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि भैया हम ये लिख सकते हैं कि जहां पर एक कंडीशन भी होता है, जहां पर q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो, और p और q दोनों क्या होगा भैया, दोनों आपके पूर्णांक होने चाहिए, ये दोनों आपके क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए भाई। इस बात को ध्यान में रखना है। अच्छा इसलिए हम ये लिख सकते हैं, इसलिए आगे लिखेंगे, इसलिए जब भैया p बाई क्यू को लिख सकते हैं तो लिखेंगे इसलिए। अब देखो p अपान q बराबर क्या कर सकते हैं भैया, हम लिख सकते हैं रूट में 5। जब मैंने यहाँ पर p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो भैया हम ये इस बात को भी लिख सकते हैं कि p बटे q बराबर करणी में 5 हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखना है तो यहाँ पर p अपान q इजकल टू रूट 5 लिख सकते हैं। एक बात आपको यहाँ पर लिखना होगा कि यदि p तथा q के उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने पर या विभाजित करके हम a अपान b लिख सकते हैं, a अपान b बराबर करणी में 5 प्राप्त कर सकते हैं। सही बात है भाई, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा p और q को उभयनिष्ठ गुणनखंड मान लो किस कोई भी एक ले लेंगे, उसे भाग कर देंगे तो हमारा a अपान b प्राप्त हो सकता है। इतना बार समझ में आ गया, जहां पर एक बात लिखेंगे, जहां पर a तथा b सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। अच्छा सह अभाज्य हमको यही सिद्ध करना है, a तथा b का मस एक आना चाहिए, एक के सिवा कुछ भी ना आना चाहिए। तो हम इस बात को लिख सकते हैं भैया, इस बात को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसी को मैंने यहाँ पर प्लट करके लिख दिया कि रूट 5 बराबर a बाई b लिख सकते हैं, ठीक है, इतना कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, a बराबर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, करणी में 5 इंटू बी बराबर a कर सकते हैं। अब दोनों पक्ष का वर्ग कर दीजिए तो हो जाएगा 5b बराबर a स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा तो b बराबर क्या हो जाएगा भैया, b बराबर हो जाएगा
ए स्क्वायर बटे का पाँच हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे का पाँच हो जाएगा। अच्छा, हम एक बात यहाँ पर लिख सकते हैं, एक बात हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं जरा ध्यान दीजिएगा, एक बात हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं। अब देखो b बराबर ए स्क्वायर बटे पाँच, तो हम ये लिख सकते हैं कि पाँच जो है हम यहाँ पे इसी बात को हम यहाँ पे लिख देंगे कि पाँच ए स्क्वायर को विभाजित करता है। सही बात है भाई, हमको दिखाई भी दे रहा है विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो जब भाई ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो पाँच ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा, विभाजित, सही बात है। अच्छा, पाँच जब ए स्क्वायर को भाग दे रहा है तो ए को भी तो भाग देगा। समझ लो ए स्क्वायर माने पच्चीस बटा पाँच है, तो इसका जो रूट है माने पाँच बटा पाँच भी तो विभाजित होगा, ठीक है। तो यही बात हम समझाना चाह रहे थे इसी प्रकार से। अब हम क्या करेंगे भैया, जब हम पाँच ए को भी विभाजित करेगा तो हम एक बात और लिखेंगे, हम एक बात और क्या लिखेंगे, हम मान लेंगे कि माना ए बराबर भाई क्या हो जाएगा, अब इसी का कोई गुणनखंड मान लो। जब एक को विभाजित करेगा तो भाई उसका कोई फैक्टर मान लो, कोई फैक्टर ले लो। ए बराबर हम लिख सकते हैं 5c लिख सकते हैं, ठीक है, ए बराबर 5c। अब इसका मान इस वाले इक्वेशन में रख दो, यहीं पर रख दो या यहाँ पर रख दो या यहाँ पर रख दो, कहीं भी रख दो। तो जब हम ए का मान 5c रखेंगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बी बराबर हो जाएगा भैया, बी बराबर हो जाएगा ए का मान रख दो 5c का होल स्क्वायर और बटे का 5। तो बी का मान क्या हो जाएगा भैया, बी का मान हो जाएगा 25 सी स्क्वायर बटे का 5, तो कट जाएगा। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा 5c स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, सी स्क्वायर बराबर स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे का 5 हो जाएगा, बटे का 5, ठीक है, सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे का 5। अच्छा भैया, एक बात ध्यान से देखना, हम लिख सकते हैं कि अब 5 क्या कर रहा है, बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। इसी बात को लिखेंगे कि 5, दोबारा लिखेंगे 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है। अतः क्या हो जाएगा, 5 बी को भी विभाजित करेगा, बी को भी क्या करेगा भैया, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखा मैंने कि 5 जब बी स्क्वायर को काटेगा तो बी को भी काट सकता है, सही बात है। हम यहाँ पे एक नोटिस कर रहे हैं, हम नोटिस क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 जो है ए को भी काट रहा है और बी को भी काट रहा है, ठीक ना, बी को भी काट रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं, हम इसी बात को लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर लिख देंगे 5 ए तथा बी को विभाजित करता है, विभाजित करता है, अतः ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड पांच है, ठीक है। क्या है भैया, 5 है। हमें करना क्या था, ए और बी का, ए और बी का सब असंगत दिखाना था, उल्टा रहा है, 5 आ गया, एक ना करके इसका मतलब कितना आ गया, 5 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हम कथन माने हैं उसका यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है। हम इस बात को लिख देंगे कि अतः हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है,
ठीक है, विरोधाभास हो रहा है। हमने क्या माना था? हमने माना था कि भाई जो हमारी रूट फाइव एक परिमेय संख्या है, अतः हम लिख सकते हैं कि अतः रूट पाँच एक क्या है भैया, परिमेय संख्या नहीं है। उल्टा मान लो परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, लिखेंगे रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या है, यही तो सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है, प्रूफ्ड, यही आपको सिद्ध करना है। एक सवाल करने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अगला सवाल करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। आशा करता हूँ आप सभी को ये टॉपिक, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए भाई, अगला नंबर जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगला नंबर सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है, उसको भी प्रूफ करना है, एकदम बेसिक तरीके से प्रूफ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि सिद्ध करना है भाई हमारा ठीक है, हम ये सिद्ध करना है कि 3 + 2 = 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है, कंसेप्ट वही लगेगा, ठीक है। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। हम मान लेंगे कि माना, वही वाला तरीका अपनाएंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। हमने मान लिया कि परिमेय संख्या है। हम एक बात लिख रहे थे कि हम किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर q does not equal to 0 होना चाहिए। तो हम इस बात को लिख देंगे भैया, हम लिख देंगे कि p/q बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 2√5, ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। अच्छा, जब इतना हम लिख सकते हैं तो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि P और Q हम यहाँ पे लिखेंगे कि P तथा Q को क्यू को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने पर चाहे लिख सकते हैं विभाजित करके अच्छा, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 2, 3, 4, 5 कटाएंगे तो आपको क्या मिल सकता है, a/b क्या मिल सकता है, हम यहाँ पे लिख देंगे a/b बराबर 3 + 2√5 प्राप्त कर सकते हैं, इतना परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जब भाई किसी से भाग कर देंगे तो a/b बचेगा और वही हमारा 3 + 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इतना चीज। अच्छा भैया, एक बात हम यहाँ पे कर सकते हैं, इसको जब बराबर करेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं a/b बराबर 3 + 2√5। इस 3 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मैं इधर ले रहा हूँ, 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो a/b माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, a-3b और बटे का b हो जाएगा। अब बच्चों करते क्या हैं, अब 2 को भी इधर भेज देते हैं तो √5 बराबर क्या हो जाएगा,
ए माइनस थ्री बी और बच्चे बटे का क्या हो जाएगा, टू इंटू बी, इतना चीज। एक बात मैंने आपको क्या बताया कि भैया देखो ए और बी क्या है, पूर्णांक है, तीन दो क्या है, पूर्णांक है, लेकिन ये करणी में पाँच क्या है, पूर्णांक नहीं है, अपरिमेय संख्या है। तो भैया हम यहाँ पे इस बात को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि, हम लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि ए तथा बी दोनों पूर्णांक है तथा क्या लिखेंगे भैया, तथा दो और तीन, इसमें देखो दो तीन भी है दो भी है, लिखेंगे दो तथा चाहे दो और तीन भी पूर्णांक है, दो और तीन भी क्या है, पूर्णांक है। अच्छा एक बात बता दो भैया हमको, अगर कोई भी ये पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है दो बटा तीन, तो जब पूर्णांक से पूर्णांक में भाग करते हैं तो हमारा क्या आता है, परिमेय संख्या आता है ना, क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या आ जाएगा, ठीक ना। तो हमारी ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, तो हमारी ये पूरी संख्या a माइनस थ्री बी बटे में टू बी, हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः a माइनस थ्री बी बटे का टू बी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी, परंतु लिखेंगे आगे, परंतु यहीं से खेला गड़बड़ हो गया, परंतु करणी में पांच एक अपरिमेय संख्या है, कैसे वैसे या भैया जी ध्यान दीजिए यहां पर अपरिमेय संख्या है। अच्छा जब हमने तथ्य को सही माना है तो जब बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो ये कैसे परिमेय संख्या हो सकता है और ये रूट पांच कैसे अपरिमेय संख्या हो सकता है, बताओ आप ही। तो कहीं ना कहीं हमारे माने गए अवधारणा का यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए इससे सिद्ध हो रहा है, इसलिए हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। अतः हम जो माने थे, हम क्या माने थे भैया कि तीन प्लस दो रूट फाइव ये क्या है, परिमेय संख्या है, उल्टा अब हो जाएगा क्या हो जाएगा, अतः हम ये बोल सकते हैं कि थ्री प्लस रूट फाइव, क्या लिख सकते हैं, थ्री प्लस टू रूट फाइव, ठीक ना, क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगी, क्या हो जाएगी भैया, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो भैया इसी प्रकार से आप सभी को सारे क्वेश्चन को हल करना है, चलिए सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा भी परेशान नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखना क्या दिया गया, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है और इसमें भी तीन सवाल है, तीसरा में तीन सवाल है, तीनों सवाल को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। सिद्ध करना क्या है, वन अपान रूट टू क्या हो जाएगा भैया, आप सभी का एक अपरिमेय संख्या होगा, आपको सिद्ध करना है। आइए बिल्कुल सेम से उसी अंदाज में सॉल्व करते हैं, हम मान लेते हैं कि माना वन अपान रूट टू एक परिमेय संख्या है, हमने मान लिया कि परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो हमने क्या बताया था कि हम किसी भी परिमेय संख्या को p अपान q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर कंडीशन होता है q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए और p और q हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर डिजिट होना चाहिए, यानी कि पूर्णांक होना चाहिए। तो हम इसी बात को लिखेंगे यहां पर कि p अपान q बराबर वन अपान रूट टू, भैया आप लिख सकते हो, ठीक है। अब एक चीज हम यहां पे लिखेंगे
कि चूंकि पी और की क्यू क्या है, पूर्णांक है, तो हम इस दोनों पूर्णांक को करेंगे क्या, एक इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग करेंगे, ठीक ना। लिखेंगे कि यहां पर पी तथा क्यू, पी तथा क्यू के उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग करने पर या विभाजित करने पर विभाजित करके लिख सकते हैं, विभाजित करके हम क्या लिख सकते हैं, ए अपान बी का रूप दे सकते हैं कटा करके, और यही क्या हो जाएगा हमारा, वन अपान रूट टू के बराबर हो जाएगा, इतना परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इतना चीज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी चीज को हम क्या करेंगे भैया, यहां पर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या कर सकते हैं भैया, ए अपान बी बराबर वन अपान रूट टू कर सकते हैं ना। तो हम क्या कर सकते हैं, बी बराबर क्या कर सकते हैं, रूट टू इंटू ए लिख सकते हैं, इतना कर सकते हैं ना। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो, जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर टू इंटू ए आ जाएगा। ठीक है, अब ए को क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं भैया, बी स्क्वायर बटे का दो बराबर हम यहाँ पर ए कर सकते हैं। इस बात से हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि देखो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर को दो से भाग दिया जा रहा है, और जब दो से भाग कर रहे हैं तो हमारा एक पूर्णांक आ रहा है, क्या, इंटीजर ए आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लिखेंगे कि बी स्क्वायर जो है दो से विभाजित हो जा रहा है, इस बात को लिखेंगे कि दो बी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। अतः हम ये भी बोल सकते हैं जब बी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो भैया बी को भी तो करेगा, बी को भी तो करेगा, लिख सकते हैं दो बी को भी, बी को भी विभाजित करेगा, क्या करेगा भैया, विभाजित करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, कमेंट में बताओ, करेगा ना, विभाजित करेगा। अब हम करेंगे क्या, अब हम यहां पे जो बी स्क्वायर दिया गया है, अब दो के फॉर्म में दिया गया, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कुछ मान लेंगे, मान लेंगे क्या, ध्यान से देखना, मान लेंगे कि माना जब भैया दो से दो के पहाड़ा में आ रहा है तो आप कुछ भी ले सकते हो, 2a 2b 2c 2d कुछ भी ले सकते हो। हम मान लेंगे कि ये मान सकते हैं कि a बराबर हम 2c मान सकते हैं, या हम a बराबर नहीं b बराबर मानेंगे, किसके बराबर मानेंगे भैया, माना b बराबर 2c मान लेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इस b का मान इस वाले इक्वेशन में रखते हैं, इस वाले, तो क्या हो जाएगा हमारा, b का मान रख दो तो ये हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर और बटे का 2 बराबर हो जाएगा आपका क्या, a, क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4c स्क्वायर बटे का 2 बराबर a। अब ये कट जाएगा, कट जाएगा कितने बार में, दो बार में कट जाएगा। तो कहने का यहाँ पे सेंस यहाँ पे ये है कि 2c यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो c स्क्वायर बराबर क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर बटे का 2। सेम टू सेम हम यहाँ पर भी नोटिस कर रहे हैं कि इसके बराबर आ गया ना, तो हम ये कर सकते हैं कि जब 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो a को भी करेगा। इस बात को हम यहाँ पर लिखेंगे, लिखेंगे क्या कि 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, यही सब आप सभी को लिखना है पेपर में, विभाजित करता है, अतः दो ए को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा ना, करेगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक चीज प्राप्त कर रहे हैं कि
इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, सेकंड मानते हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान रहे हैं। समीकरण एक और समीकरण दो से हम यह प्राप्त कर रहे हैं कि जो दो है, एक को भी और बी को भी, दोनों को काट रहा है, यानी कि दोनों को डिवाइड कर रहा है। इस बात को हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः समीकरण एक और समीकरण दो से ज्ञात होता है कि दो ए और बी दोनों को विभाजित करता है, ए और बी दोनों को विभाजित कर रहा है। अतः हम ये बोल सकते हैं कि ए और बी का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, HCF है, वो क्या है भैया, दो आपका है, क्या है, दो है। और हमने क्या माना था, ए और बी क्या है, सह अभाज्य संख्या है, जिसका मसा एक आना चाहिए। यहाँ पे तो मसा दो आ रहा है, मसा क्या आ रहा है, यहाँ पर दो आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है। इसलिए जो हम अवधारणा लिए हुए हैं कि एक बटा करणी में दो एक परिमेय संख्या है, कहीं ना कहीं हमने गलती मान लिया है। अतः क्या हो जाएगा भैया, अतः हम ये बोल सकते हैं कि 1/√2 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। इस तरीके से आप सभी को हल करना है। ठीक है, अब चलिए बच्चों हम आगे वाली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेशेंस बना करके रहना आप लोग। ठीक है, सिद्ध करना है कि 7/5 या 7/5 पे क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी प्रूफ करना है। बिल्कुल सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है, उसी तरीके से हल करेंगे, सारा डाटा वही रखना है, सारा कंसेप्ट वही लगाना है, बस खाली डाटा बदल गया है। हम सोल्यूशन करेंगे और मान लेंगे कि माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, जब परिमेय संख्या है तो भैया हम इस बात को कब से बोल रहे हैं कि जब कोई परिमेय संख्या है तो उसे हम पी या पान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर क्यू का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए और पी और क्यू हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो इसी बात को हम यहां पर लिख देंगे कि पी या पान क्यू बराबर सेवन रूट फाइव। ठीक है, एक बात भैया हम यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब P और Q को हम किसी इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग करते हैं, लिखेंगे कि यदि P तथा Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने पर या विभाजित करके इसको हम लिख सकते हैं a/b = 7/5 प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब भैया यहाँ पर जब इसको हम प्राप्त कर सकते हैं तो हम एक बात यहाँ पर देखेंगे, ए और बी स्वाभाविक संख्या है जिसका मसा एक होना चाहिए, पूर्णांक भी है, आप सभी को पता हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको करेंगे क्या, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं a/b = 7/5 यहाँ पर कर सकते हैं ना, इतना चीज। तो हम a बराबर क्या कर सकते हैं, a बराबर या हम ये कर सकते हैं कि a/7 into b
बराबर रूट फाइव हो जाएगा, ठीक है। इतना चीज़ इसको आसान भाषा में सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे बच्चों लिखेंगे एक बात कि यहाँ ए तथा बी दोनों पूर्णांक है, पूर्णांक है, और सात भी पूर्णांक है। सात भी क्या है? पूर्णांक है। अच्छा, जब पूर्णांक को पूर्णांक से भाग करेंगे तो भैया हमारा क्या आ जाएगा? पूर्णांक ही आएगा, यानी कि परिमेय संख्या आएगा। अतः हम ये बोल सकते हैं, अतः ए अपान सेवन इंटू बी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगी, परंतु लिखेंगे आगे, परंतु दाया पक्ष है। अरे भाई आजा, सिम खुल जा। बाया परंतु क्या लिखा मैंने? परंतु लिखा, ठीक है। परंतु दाया पक्ष है ना, दाया पक्ष क्या है आप सभी का? रूट पांच। एक अपरिमेय संख्या है, अच्छा। तो भैया जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी तो परिमेय संख्या होना चाहिए मेरे दोस्त, तो ये अपरिमेय संख्या कैसे हो गया? तो कहीं ना कहीं हमने अवधारणा को गलत मान लिया। सही बात है भाई, तो हम लिखेंगे यहां पर, हम इस बात को लिखेंगे कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं हो रहा है, तो लिखेंगे अतः हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है, अपोजिट में बात हो रहा है भाई। ठीक है, विरोधाभास हो रहा है तो क्या हो जाएगा? तो जो भी हमने कथन माना हुआ है वो गलत है, अतः हम यहां पर लिख सकते हैं, अतः सात करणीय पांच एक परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। यही बात क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप सभी को हल करना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा जो कि इस वीडियो का और इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन है, अंत भला तो जग भला। सारे बच्चे ध्यान से टॉपिक को समझेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। कई बार ये क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी आ चुका है और 2025 वाले पेपर में मंडरा सकता है, इसलिए आप लोग भी मंडराइए मत, ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भाई, पेपर में आएगा धुआं धुआं करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो उल्टा मानेंगे, परिमेय संख्या मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि माना सारा वही प्रोसेस का खेल है भैया, कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से हल करेंगे, ध्यान से देखना मेरे दोस्त, ठीक है। परेशान नहीं होना, पेशेंस बना करके रखना है। ठीक है, चलिए हमने मान लिया, अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक बात। एक बात हम क्या लिखेंगे कि किसी भी परिमेय संख्या को संख्या को पी बाई क्यू के रूप में, ठीक है ना, व्यक्त कर सकते हैं।
एक कंडीशन है भाई, जहाँ पर क्या कंडीशन है, जहाँ क्यू का मान कभी भी जीरो ना हो। और एक और कंडीशन है, ध्यान सुनना, एक और कंडीशन क्या है, एक और कंडीशन है कि पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। इस तथ्य को समझना है, ठीक है। अब भैया हम करेंगे क्या, ध्यान सुनना, अब भाई पी बाई क्यू को में लिख दो इसको, तो क्या हो जाएगा, पी अपान क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस रूट 2, इतना हो जाएगा। एक बात हम यहाँ पे लिखेंगे, लिखेंगे पी तथा क्यू, क्या लिखेंगे कि पी तथा क्यू के उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब समझ रहे हो ना, कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो, जो दोनों का मसा हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने पर, विभाजित करके, ठीक है, विभाजित करके हम कोई भी प्राप्त कर सकते हैं, a अपान b बराबर 6 प्लस रूट 2 प्राप्त कर सकते हैं। अब भाई आप प्राप्त जब कर लिए हो तो आओ ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a अपान b बराबर 6 प्लस रूट 2 हो जाएगा। तो ध्यान देना, हम ये लिख सकते हैं कि a अपान b -6 बराबर रूट 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा a -6b अपान में b बराबर रूट 2 हो जाएगा। इतना बात किसी ने बच्चों को समझ में आ गया, एक बार थम्स अप करके बताओ। हम एक बात तब से बोल रहे हैं कि भैया a और b क्या है, पूर्णांक है, सहअभाज्य संख्या है, जिनका मास एक होना चाहिए, कब से बता रहे हैं ना, इस बात को लिखते हैं, ठीक है, हम इस बात को लिखेंगे कि a तथा b दोनों पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है, तथा 6 भी पूर्णांक है। अच्छा भैया, जब पूर्णांक को पूर्णांक से भाग करेंगे तो हमें पूर्णांक ही मिलेगा, यानी कि परिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि अतः a माइनस सिक्स बी, a माइनस सिक्स बी अपान b क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगी, परंतु हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने इसी को सिद्ध करके दिखाया कि √5 या √3 या √2 किस प्रकार से अपरिमेय संख्या है, परंतु रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो भैया जब इक्वेशन का इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है तो ये परिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं हमारे माना गया जो भी कंसेप्ट है, अवधारणा है, नियम है, कहीं ना कहीं गलती है, ठीक ना। तो हम इस बात को लिखेंगे, अतः अतः हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास होता है, ठीक है, विरोधाभास हो रहा है कि 6 प्लस करणी में 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। इस बात को उल्टा हो रहा है तो भाई उल्टा उल्टा इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अतः हम ये लिख सकते हैं
अतः 6+√2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है भैया? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो भैया इसको भी हम सेव कर लेते हैं और फिर हम इसको डिलीट करते हैं, क्लीन करते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आप सभी ने यहाँ पर नोटिस किया, देखा कितना आसानी से हम लोग इस सारे चैप्टर के, पूरे चैप्टर के सारे सवाल को आराम आराम से सॉल्व किया, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। एक बात दोस्तों मैं आप सभी को और बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे लेक्चर का पेड PDF और पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप मेरे क्लास का पेड नोट्स, ठीक है, और पेड PDF प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक ना, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से ज्वाइन हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8318105051, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक ना। और आप इस व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि हमको पूरे सब्जेक्ट का PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आपको हैंड रिटन नोट्स और PDF साथ में प्रोवाइड कर दिया जाएगा पूरे HD क्वालिटी में। सारे PDF का यहाँ पे प्राइस रखा गया है मात्र 299 रुपया, ठीक है ना, तो बहुत ही कम प्राइस रखा गया है। आप सभी को मिलता क्या है इसमें? आप सभी को मिलेगा यहाँ पर रिटेन नोट्स तो मिल जाएगा, सारे चैप्टर के आप सभी के नोट्स दे दिए जाएंगे, PDF दे दिया जाएगा, उसके बाद से मॉडल पेपर दे दिया जाएगा, ठीक है, उसके बाद से प्रीवियस ईयर का पेपर दिया जाएगा, प्रीवियस पेपर दिया जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो भी आप सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आप सभी के क्वेरी वगैरह है, वो सभी सॉल्व कर दिया जाएगा। तो अगर आप इस पेड नोट्स से PDF से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा, एक बार सेशन को शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा है। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कितना 54 मिनट? 53 मिनट।